नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है मुंडवा डी से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली बापू धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है YouTube चैनल इंडियन रेलवे आदिल नोमिन की तरफ से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 12538 बापू धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पूर्व रेलवे करता है और यह सप्ताह में 3 दिन चलने वाली त्रिसाप्ताहिक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है जो मुंडवा डी से रवाना होकर गोरखपुर नरकटियागंज के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचती है। दोस्तों बात करें अगर इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन मुंडवा डी से मुजफ्फरपुर जंक्शन की टोटल डिस्टेंस 544 किलोमीटर को 51 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 10 घंटे और 40 मिनट में तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 14 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन को मुंडवा डी से गोरखपुर तक गोंडा लोको सेट का WDM-3A डीजल लोकोमोटिव और गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक मुगलसराय लोको सेट का WEV-4 या गोंडा लोको सेट का WEG-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। दोस्तों बात करें अगर इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में मॉडल LHB श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें थर्ड AC के 2 कोच रहते हैं जिनका मुंडवा डी से मुजफ्फरपुर तक का किराया ₹900 रहता है और स्लीपर के 6 कोच जिनका किराया ₹345। और दोस्तों जनरल एंड रिजर्वे के 7 कोच रहते हैं जिनका किराया ₹178 रहता है। दोस्तों यह किराया मुंडवा डी से मुजफ्फरपुर तक का है लेकिन यह अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है। इसलिए अपडेटेड किराए की ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से कन्फर्म अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 12538 बापू धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस सोमवार बुधवार व गुरुवार को मुंडवा डी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सुबह में 7:30 पर रवाना होती है। और दोस्तों यहाँ से रवाना यह ट्रेन पहुंचती है वाराणसी जंक्शन 7:40 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 7:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है मऊ जंक्शन 9 बजे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 9:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टेपेज रहता है देवरिया सदर 10:23 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों गोरखपुर जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह में 11:35 पे और करीबन 20 मिनट ठहरने के बाद 11:55 यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों गोरखपुर जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है जिससे इलेक्ट्रिक रेक व लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है कप्तानगंज जंक्शन दोपहर में 12:35 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 12:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सीसवा बाजार यह ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 12:57 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:59 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है बगहा 2:09 पे यहाँ पहुंचती है और 3 मिनट ठहरने के बाद 2:12 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है हरिनगर 2:35 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 2:37 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों दोपहर में 2:55 पे यह ट्रेन पहुंचती है नरकटियागंज जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है चनपटिया 3:15 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों बेतिया यह ट्रेन पहुंचती है 3:29 पे और 3 मिनट ठहरने के बाद 3:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सगौली जंक्शन 3:52 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:54 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों शाम में 4:11 पे यह ट्रेन पहुंचती है बापू धाम मोतिहारी और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद 4:14 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है चकिया 4:45 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 4:47 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज मुजफ्फरपुर शाम में 6:10 पे और यहां तक 544 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 12538
मुंडवा डी से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली बापू धाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें, ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।